मेरा नाम कैलाश नाथ गाँव भवनपुरा पोस्ट जगीना जिला भरतपुर राजस्थान। तो दोस्तों आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था ये इधर कुमेड़ तहसील में सैद गांव के पास में एक करुआ गांव में उसके अंदर कोबरा स्नेक था कुएं के अंदर। कुएं में पानी था, वहाँ बोरिंग ट्यूबवेल कसी हुई थी। किसान लोग अपने खेतों में पानी के लिए ऐसी तैयारी करें तो उन्होंने देखा कोबरा स्नेक, तो उन्होंने मारा नहीं और मेरे पास में फ़ोन कर दिया। शाम को मेरे पास फ़ोन करा तो मैं पहुंच गया तुरंत, और जाने के बाद मैं सुबह वहां से कोबरा स्नेक को बिना चोट पहुंचाए पकड़ के लाया हूं। वो इस कट्टे में बंद है। तो सर अब ये घना पक्षी भी आ रहे हैं, ये देखो बेजुबान है, इनके लिए मुझे इससे चीज़ की कोई जगह नहीं लगी, इसलिए मैं इधर छोड़ने आया हूँ। जैसा कोई धामन है, पानी का सांप है, वैसा होता है जो नॉर्मली सांप है, तो उसे मैं अच्छा एरिया देख के और जहाँ घरों से दूर उस जगह छोड़ देता हूँ, पर जो जहर वाला सांप है तो उसे मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम इन्हें छोड़ देंगे। कोबरा है, कोबरा अच्छा। तो दोस्तों ये घना पक्षी भी आ रहे हैं, हम गेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो अब इसको अंदर छोड़ने चल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, इनकी तरफ ने घुमा दे वीडियो बस, और रोक दे साइड पे। आ जाओ जो नेक्स्ट सीनों को मार के रोक दे, बस अब रोक दे साहब, चालू कर दी। अच्छा दोस्तों मैंने क्या आपने नज़दीक करो, जब बिल्कुल नज़दीक आ जाओ। देखो फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था जब वहाँ से मैं पकड़ के लाया तो मेरे के पास में करुआ गांव है। अब हम अपन घने के अंदर आ चुके हैं, ये घना पक्षी विहार केवला देव है। तो दोस्तों देखो ये बेजुबान है, इन्हें कभी मारे नहीं ना किसी को मारने दें, और मेरा ये मनुष्य जीवन है तो मुझे बड़ा गर्व होता है इस जीवन पे, हम किसी की सहायता कर सकते हैं इस जीवन में। तो दोस्तों ये बेजुबान है, अपने सर छुपाने को जहाँ जगह मिलती है उधर ही ये छुप जाते हैं। इस समय क्या है, किसान अपने खेतों में पानी दे रहे हैं, सरसों का और गेहूं का फसल का समय, तो जैसे ही किसान अपने उसमें गड्ढे में गया था तो 30-35 फुट का गहरा गड्ढा, तो उसमें थोड़ा पानी भी था, तो उसमें ये कोबरा स्नेक गिरा हुआ था। इस पर काले एक उस पर गऊ का पद चिन्ह भी है और हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखो ये हम इतना खतरनाक काम ये सब आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से कर लेते हैं। ये मनुष्य जीवन में कहते हैं कर भला सो हो भला, तो दोस्तों हमारे साथ आप बने रहिए, टेंशन मत कर, तो बिल्कुल नहीं तू सावधान भेजो भी आ रहे हैं सावधान कोबरा है, कोबरा पकड़ के लाते हैं सब ये गाँव से घरों में फंस जाता है। अब ये इधर थोड़े से इधर घुमा दे, हाँ छोड़ने आए सर, आ जाओ। दांत वांत तोड़ दिए करें इसके? ना ना दांत क्यों तोड़ेंगे, कुछ नहीं, जैसा पकड़ा वैसे के वैसे छोड़ रहा हूँ सर, दो दिन मर जाएगा सर। आप लाओ लीटर पानी ये ना जी, ये ऐसे लाता था ये पकड़ के दिन में मां अब मां आराम से लकड़िया से हैंडल हो जाएगा ना। आजा देखो ये दोस्तों ये बेजुबान है, नज़दीक आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ नज़दीक आ जाओ। देखो ये बेजुबान है, इन्हें कभी मारे नहीं ना किसी को मारने दें। मेरा जो सबसे बड़ा तो उद्देश्य है कि देखो सभी लोगों के पास में इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, कौन से सांप में जहर है कौन से में नहीं है। ये अपने इंडियन का अपने भारत का सबसे खतरनाक सांप है और पूजनीय है, ये भोले बाबा का गले का हार भी, इसलिए कभी इसे मारे नहीं ना किसी को मारने दें। और भाई मेरा पहले वीडियो में आपने देखा था, थोड़ा नज़दीक आ जा, बिल्कुल आ जा नज़दीक आ जा आराम से। देखो दोस्तों पहले वीडियो में आपने देखा था वो कुएं के अंदर से मैंने निकाला इसको बिना चोट पहुंचाए, अब बिना चोट पहुंचाए अब इसको मैं छोड़ने के लिए आया हूं। तो दोस्तों ये नर सांप है, जो मर्दाना सांप होता है, नागिन होती बहुत छल होता है, तो इसमें ये अपने आसानी से खड़ा है। तो मेरा यही उद्देश्य है बेजुबानों को ना मारें ना किसी को मारने दें, और मुझे ये घना पक्षी वाले इससे मुझे इनके लिए रहने के लिए अच्छी जगह कोई और नहीं मिली, इसलिए मैं इधर लाके इन्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा दोस्तों हमारा काम अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भोले बाबा की जय श्री राम। इन बाबा जी इनके सावन का फोटो लेकर घुमा दे, काका जी को
ये।